5 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिलासपुर दौरे के साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिलासपुर जिला भाजपा में बैठक की। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, हिमाचल प्रदेश चुनाव प्रभारी सौदान सिंह, सह प्रभारी अविनाश राय खन्ना सहित भाजपा पदाधिकारी मौजूद रहे। गौरतलब है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पहले ऊना फिर हमीरपुर जिला भाजपा की बैठक के बाद आज बिलासपुर जिला भाजपा की बैठक ले रहे हैं। वहीं बैठक हॉल में पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जेपी नड्डा का जोरदार स्वागत किया। प्रधानमंत्री जी ने पिछले 8 वर्षों में हिमाचल प्रदेश को दिल खोल कर दिया है और एम्स जैसा अस्पताल, एक इतना बड़ा इंस्टीट्यूट हिमाचल के लिए बहुत बड़ी बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करने के लिए हिमाचल की जनता पलके बिछाए बैठी है और ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट जो पिछले 8 वर्षों में पूरे हुए और बहुत सारे प्रोजेक्ट जो अभी चल रहे हैं, ये सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हिमाचल को अपना दूसरा घर मानते हुए ये देना, सेवा करना और त्योहारों के दिन में नवरात्रि के समय जहाँ एक और देश त्यौहार मना रहा है, हम भी दशहरे वाले दिन, विजयदशमी वाले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इंतज़ार करेंगे और भव्य स्वागत भी होगा और भव्य जनसभा भी होगी। और मुझे पूर्ण विश्वास है यहाँ की जनता जो इतना प्यार नरेंद्र मोदी जी से करती है, वो प्रदेश के अलग अलग कोनों से भी आएगी और हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से भारी जनसमूह। वहीं इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सुरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, 5 तारीख को पीएम मोदी का दौरा है, उसके पहले की राजनीतिक समीकरण क्या कुछ है? 5 तारीख को जो पीएम नरेंद्र मोदी का जो दौरा है उसके ऊपर अगर हम बात की जाए, उससे पहले भाजपा का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा जी ने आते ही, जब वो पिछले कल ऊना में आए थे वहां पे भी भाजपा के पदाधिकारियों की बैठक की थी, उसके तुरंत बाद जब वो हमीरपुर पहुंचे तो तब भी उन्होंने भाजपा के जो पदाधिकारी थे उनसे जो बैठक की थी। आज दूसरा दिन तो जो उनका बिलासपुर अपने गृह क्षेत्र है वहां पे भी उन्होंने भाजपा के जो पदाधिकारी थे और शीर्ष नेतृत्व से उनके साथ बैठक कर आगे आने वाले चुनावों के बारे में रणनीति तय की गई है। सुरेंद्र, अगला प्रश्न है आपसे, पीएम मोदी का ये जो दौरा है, क्या 5 तारीख को जो हिमाचल प्रदेश की राजनीति है उसमें उलटफेर होगा? क्योंकि ये माना जा रहा है कि फिलहाल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी पुरजोर तरीके से प्रचार प्रसार कर रही हैं, लेकिन पीएम मोदी का दौरा बीजेपी को कितना बढ़त दिलाएगा? सुरेंद्र, पीएम मोदी का जो दौरा है वो भाजपा के लिए एक बहुत बड़ी संजीवनी लेकर आएगा, क्योंकि जो ये जो दौरा है वो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा, उनका गृह क्षेत्र है और पिछले बार 2017 के चुनावों की अगर बात की जाए तो इसमें से भाजपा ने 3 सीटें जीती थी और गृह क्षेत्र में टोटल 4 सीटें थी और 1 सीट कांग्रेस को चली गई थी।